गुरु जी ये कहते हैं इस बारे में कि जितनी पुरानी बीमारी हो, जितनी क्रॉनिक बीमारी हो और जितनी सीवियर बीमारी हो, यानी कि जितनी खतरनाक आपको लगती हो, उस बीमारी का समाधान बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट से ही शुरुआत करनी है, है ना। छोटे छोटे ट्रीटमेंट से शुरुआत करनी है, जैसे हेपेटाइटिस है, कैंसर है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एमएनडी है, मोटोन्यूरोन डिसऑर्डर है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं जिनकी कल्पना ये सोचते हैं व्यक्ति कि ये हमारे दुश्मन को भी ना हो ऐसी बीमारियां। तो उन बीमारियों में हमें ट्रीटमेंट बहुत छोटे छोटे ट्रीटमेंट रखने हैं। हाँ, छोटे छोटे ट्रीटमेंट रखने के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखनी है। तो ऐसे ट्रीटमेंट घर में सिखा देने चाहिए। जैसे कैंसर है तो हमारा एक पेट फॉर्मूला है, 2 PEN K 6 ट्रीटमेंट देना है, कोडा एक्कुना ट्रीटमेंट देना है। अगर उसके कहीं लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं है कैंसर, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है, तो कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूले दिए, 1 पॉइंट लीवर दिया और इतना ही घर पर सिखा दिया कि 2 PEN × 6 ट्रीटमेंट, 1 PARA और 0.liver × 6 ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट बहुत छोटा ट्रीटमेंट है, है ना। 2 PEN × 6 ट्रीटमेंट, 1 PARA और 0.liver × 6 ट्रीटमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा CNNS ऑल थ्री साइड, है ना। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत छोटा ट्रीटमेंट है, 15 मिनट का ये पूरा ट्रीटमेंट है। इस 15 मिनट के ट्रीटमेंट को हमने अगर घर पर सिखा दे तो यही ट्रीटमेंट दिन में 5 बार 10 बार तक दिया जा सकता है। तो माइल्ड ट्रीटमेंट को फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए, स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट को लिमिटेड टाइम के लिए रखिए। तो गुरु जी ये कहते हैं कि जितनी बड़ी बीमारी है उसका उतना ही सिंपल फॉर्मूला, उतना ही सिंपल इलाज है। उस इलाज को केवल हमें उसकी फ्रिक्वेंसी दिन में 3 बार 4 बार 2 बार कर सकते हैं। तो उसमें अपने परिवार के, यानी कि जो परिवार के पेशेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। हाँ, ऐसी बीमारियाँ जो आज ही कल में आई है, महीनों में आई है, साल भर में आई है, और वो ऐसी बीमारी नहीं जो खतरनाक हो सकती हैं, तो उसका समाधान आप अपने सेंटर में भी 1 या 2 ट्रीटमेंट देकर कर सकते हैं, है ना। कोई स्किन डिजीज है, किसी को एक्जिमा है, किसी को एलर्जी है, किसी को सोरायसिस है, तो ये वो बीमारियां हैं जो हैं तो क्रिटिकल, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ये बढ़ गई तो आदमी मरी जाएगा। तो इनसे भी, इनको क्या है कि आप अपने सेंटर में देकर 1 या 2 ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं और इसमें जो एक्चुअल फॉर्मूले हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी खतरनाक बीमारी, जितनी डरावनी बीमारी, उसका उतना सिंपल ट्रीटमेंट केवल फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर हमें करना चाहिए। और गुरु जी कहते हैं कि अगर हमें ट्रीटमेंट की फ्रिक्वेंसी जाननी है तो हम एक दिन में 10 बार भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हर 1 घंटे पर दे सकते हैं, हर 2 घंटे पर हम ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी को ओल्ड यूडिया प्लस लार्ज पॉलीब्लैक, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन में 10 बार ओल्ड यूडिया प्लस लार्ज पॉलीब्लैक देते रहेंगे, है ना। हम 10 बार कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, 2 PEN × 6 ट्रीटमेंट, 1 PLIVER × 6 ट्रीटमेंट, 1 PARA, है ना, CNNS ऑल थ्री साइड दे दिया, CNNS गैस ऑल थ्री साइड दे दिया, CNNS ऑल टॉप फिंगर दे दिया। ये ट्रीटमेंट की फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं जो आपके सिस्टम के बेस को ठीक करेगा। तो इस तरीके से जितनी बड़ी बीमारी उतना सिंपल ट्रीटमेंट, केवल ट्रीटमेंट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाना है। जो जितनी नई बीमारी है, कुछ महीनों की बीमारी है, साल की बीमारी है, तो वो आपके 1 ट्रीटमेंट से भी, 1 या 2 ट्रीटमेंट से भी काम चल जाएगा उसमें।